थेरेपिस्ट या सेक्स काउंसलर बनना है वो कैसे बनना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे लोग हमें सवाल करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं पिछले 41 साल से अकोला में मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स थेरेपिस्ट या सेक्स काउंसलर ऐसा एक व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति लोगों के सेक्स की समस्याओं के बारे में उनको काउंसलिंग करता है, उनको थेरेपी देता है। सेक्स थेरेपिस्ट या सेक्स काउंसलर कोई डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, जिसने कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ है साइकोलॉजी के बारे में या सेक्स के बारे में, तो वो व्यक्ति सेक्स थेरेपिस्ट या सेक्स काउंसलर बन सकता है। सेक्स थेरेपिस्ट और सेक्स काउंसलर बनने के लिए कोई भी क्षेत्र का ग्रेजुएट रहा तो भी चलता है। मैं ग्रेजुएट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रेजुएट रहा, बीए, बीकॉम, बीएससी है तो थोड़ी समझदारी उसमें है, अदरवाइज़ वो भी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता या सबसे ज़्यादा महत्व सेक्स थेरेपिस्ट ने वो बात को देना चाहिए कि भाई वो ऐसा व्यक्ति हो कि जो सुनने वाला है, जो सुनता है, उसको लिसनिंग स्किल्स है। ज़्यादा बकबक करने वाला, ज़्यादा बड़बड़ करने वाला सेक्स थेरेपिस्ट नहीं हो सकता है। क्या है कि सेक्स समस्याओं में ज़्यादातर ये पाया गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से उनको सेक्स प्रॉब्लम आया हुआ है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव, आपसी व्यवहारिक इशू, रिलेशनशिप इशू, रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, न्यूरोटिक इलनेसेस, शराब की लत, गांजा की या सिगरेट की लत है, मतलब अलग अलग मानसिक बीमारियां हैं, या मानसिक बीमारियों के लिए दवाई खा रहा है, या फिर फाइनेंशियल लॉस। कभी कभी क्या होता है कि पहली बार सेक्स करने के लिए जाता है और डर के मारे कर नहीं पाता, और एक झटका दिमाग में बैठ जाता है कि मैं काम का नहीं हूँ। या कोई वेश्या के पास में जाता है, वो जल्दी जल्दी में बोलती है कि चलो करो जल्दी जल्दी, कर नहीं पाता, वो उसको बोलते चल निकाल पैसे चले जा। या फिर बचपन में कोई आघात हुआ है, किसने अब्यूज़ किया हुआ है, या फिर सेक्स के बारे में एक ऐसे संस्कार बचपन से हुए कि सेक्स मतलब गलत, सेक्स मतलब गंदा, सेक्स के बारे में बोलना नहीं। हमारे कल्चर में ऐसा है कि पति पत्नी साथ में बैठे हैं और बच्चा उधर से आ गया, बेटा या बेटी उधर से आ गए तो तुरंत दूर हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ गलत काम किया। मतलब बच्चे अपने माँ बाप को पास में बैठकर देख नहीं सकते हैं। कल्चर में ऐसा है कि नहीं नहीं बच्चा आ गया तो चलो अलग अलग हो जाओ, मगर बच्चों के सामने पति पत्नी झगड़ा जरूर करते हैं, वो बच्चे देखते हैं, वो चलता है पति पत्नी को। तो ज़्यादातर सेक्स प्रॉब्लम जो है वो है मानसिक। प्री मैरिज इजैकुलेशन जो है, शीघ्र पतन, वो तो डेफिनेटली मानसिक है, और उसका इलाज करने के लिए सेक्स थेरेपिस्ट, ट्रेंड सेक्स थेरेपिस्ट यदि रहा तो उसका इलाज कर सकता है। हमारा सेक्स थेरेपिस्ट बनिए प्रोग्राम चलता है, सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्स थेरेपिस्ट, कि जो लोगों को काउंसिलिंग करेगा, थेरेपी देगा, लोगों का इलाज करेगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में, कम लोगों में और कम मात्रा में दवाई लगती है। दवाई सिर्फ वहीं लगती है जो लोगों को डायबिटीज़ हुआ है, जो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, जो लोगों को कोई शारीरिक बीमारियाँ हैं, उनको दवाई की ज़रूरत लगती है। अदरवाइज़ दवाई की ज़रूरत बहुत कम लगती है लोगों को। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल, कुछ तो भी ट्रामा हुआ है या झगड़े है, प्रॉब्लम्स है, और उसकी वजह से ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आया हुआ है। तो आप सेक्स थेरेपिस्ट बनिएगा। सेक्स थेरेपिस्ट आप हमारा कोर्स लेते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। एक सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्स थेरेपिस्ट, माइंड मास्टरी एजुकेशन काउंसिल के जरिए आप बन सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे यहाँ स्टूडेंट बनकर भी अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं और लोगों के जीवन में फ़ायदा दे रहे, लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे, दोनों भी हो रहा है, स्वार्थ और परमार्थ। तो ये करिएगा। अधिक जानकारी हेतु और ये थेरेपिस्ट के कोर्स पाने हेतु आप नीचे दिए नंबर पर क्लिक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप हमारे कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।